हफीज जलंधरी का एक शेर है, वो मैं हर जुमे तैयारी करता हूँ पढ़ना है लेकिन रह जाता है। हफीज जलंधरी जिन्होंने कौमी तराना लिखा है, लोग आज हक छोड़ते ही इसलिए हैं, रोटी के लिए, पानी के लिए, ओहदे के लिए, तो इसलिए हक छोड़ जाते हैं, कहते हैं हमारा लबैक से कोई ताल्लुक नहीं, नामूस रिसालत से लोग अपना चेहरा फेर लेते हैं, ख़त्म नबूवत के मसले में लोग पीछे हट जाते हैं। तो हफीज जलंधरी जिन्होंने कौमी तराना लिखा है, ज़ाहिर है उन पर ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आया होगा कि वह हक से पीछे हुए होंगे। उन्होंने एक शायराना ताली तो नहीं की, शायराना वो शायर इस तरह के शायर थे भी नहीं, ज़ाहिर है कोई मौका ऐसा आया होगा कि उन्होंने हक बात नहीं की होगी। तो उन्होंने ख़ुद कहा कि मैंने हक छोड़ा था अंदेशा या गुरबत से हफीज़, मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुरबत से हफीज़, सोचता हूँ तो दिल एहसास से हिल जाता है। यार मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुरबत से हफीज़, हाय इस अमर से ना थी मुझे कुछ आगाही, हाय इस अमर से ना थी मुझे कुछ आगाही, रिज्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। इस वास्ते रिज्क तो वो कुत्तों को भी, वो भी खा कर ही सोते हैं, और अगर रिज्क की खातिर इंसान हक छोड़ दे और रिज्क की खातिर इंसान नामूस रिसालत से गद्दारी कर जाए और रिज्क की खातिर ख़त्म नबूवत से गद्दारी कर जाए, रिज्क की खातिर बंदा हुजूर के दीन से गद्दारी कर जाए, तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का मुख्तसर मंशूर यही है। ये इंशाअल्लाह ऐसा किसी के पास भी मंशूर नहीं है जो हमारे पास है मंशूर। हमारा मंशूर इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, हमारा मंशूर बस सीधा साधा है, इस्लाम, इस्लाम को गालिब करने के लिए पाकिस्तान को सुपर पावर बनाकर, जी फिर पाकिस्तान की आवाम खुद निकलेगी हुजूर के दीन का झंडा लेकर। लब्बै जोर लगाएं, लब्बै या रसूल अल्लाह। तवज्जो, मैं जो आपसे बात करने लगा हूँ वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जनाजे के लिए मुझे बुलाया करो, सहाबा को फरमाया, फरमाया कि ये कब्रें बड़ी अंधेरी और तारीख के अंदर मुबतला, अंधेर बिल्कुल इनके अंदर होता है, तारीख होती हैं, जब मैं जनाजा पढ़ाता हूँ तो कब्रें नूर से चमक जाती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये खुद बात इरशाद फरमाई। और जो मस्जिद शरीफ के अंदर खातून झाड़ू देती थी मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, तो वो फौत हो गई, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने रात का टाइम था, खुद ही जनाजा पढ़ के माई जी को, अम्मा जी को दफन कर दिया जो मस्जिद नबी शरीफ में झाड़ू देती। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दो दिनों के बाद पूछा, फरमाया वो अम्मा जी नज़र नहीं आ रहे, तो फरमाया अर्ज़ की वो तो फौत हो गई, तो हमने जब फरमाया फिर मुझे नहीं बताया, कहा जी रात का टाइम था, तो फरमाया फहक के रुओ, फरमाया तुमने उसको हकीर समझा था। यह रियासत मदीना, जब मस्जिदों के स्पीकर भी उतर जाएं वो कौन सी रियासत मदीना बनेगी। रियासत मदीना के अंदर तो मस्जिद में जो झाड़ू देने वाली औरत है उसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अपने गुलामों को कि तुमने यही समझा ना भाई मस्जिद में झाड़ू देती है तो क्या जरूरत है, फरमाया फहक्किर हुओ, फरमाया तुमने उसको अकीर समझा, दुल्लूनी अला कब्रन, फरमाया चलो उसकी कब्र पर चले, चल तू आया ना दरते क्यों बद नसीबा। हाँ क्यों जी, इकबाल कहता था अमीने हक बहकदारा सपुर्द बंदगारा मसनद खाका सपुर्द, इकबाल कहता बड़ी बड़ी जालिम दुनिया उस वेले बैठी, बड़ी बड़ी दुनिया आई, किसी गरीब का एक मसला भी हल न किया, जब साढ़े आका मौला आए तो रसूलुल्लाह ने गरीबा ते गुलामा नू बादशाहां दी मसनद उत्ते जाके बिठा दे। फरमाया फकीर हुओ, फरमाया तुमने उसको अकीर समझा,
मौलवियों को भी अकीर लोग, मेंबरों को भी अकीर, मस्जिद को भी अकीर, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाले को भी अकीर, मस्जिद में आने को भी। तो रियासत मदीना तो ये नहीं है, रियासत मदीना वही है जो रसूलुल्लाह ने रियासत कायम फरमाई। हाँ, उसके अंदर ये बात थी। हुजूर ने दोबारा जाकर फसल्ला अलै अरबान, हुजूर ने दोबारा जाकर चार तकबीर नमाज जनाजा फिर पढ़ी और फिर नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए उनकी कबर पर। फरमाया, अम्मा जी ये दसो तो सही, मरण तो बाद सब तो ज्यादा सवाब किस चीज का मिले? थोड़ी देर के बाद ना सहाबा ने वो आवाज सुनी, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कारे पाका रा क्या सज खुद मगीर, घर चे बाशत दर नविश्तन शेर व शीर, अंबिया रा हम चू खुद बर्दाश्तन। ये केड़ी बात है, नबिया ते प्यार दिया गुल लोग अपने ते क्यास कर दे भाई, असमहन जी कुछ नहीं। हजूर ने थोड़ी देर तो बाद फरमाया, माँ अम्मा जी पता है की कह रहे हैं? अरज की जी की कह रहे हैं? फरमाया, ए मायूरी जवाब, मैं पूछा भाई किदा सवाब ज्यादा मिले आते? अरज की थी, हजूर मस्जिद झाड़ू देने का सवाब ज्यादा। मस्जिद में आके लोग फिर आन तो मस्जिद वड़दा ही कोई नहीं, तो फिर जो मस्जिद छोड़िया क्यों जी? मैंने कई रहा वड़ा सारा वो भी बढ़ावे इंशाला, असं इनकार कोई नहीं, वड़ा सारा सैक्रेट होना चाहिए, इंज होना चाहिए, इंज होना चाहिए। मैं इन्होंने कहा, मैं आख पूरी दुनिया ना हजूर ने टक्कर ली, तो हजूर मस्जिद एक सतून नाल बह के वफ्त नाल मुलाकात करते। मस्जिद नबी शरीफ जो दौरे रिसालत हजूर से जारी आजाद कितनी बड़ी सी, दो सुपर पावर हजरत उमर ढा दतिया, तो आपका कितना व्डा जनाब दफ्तर से। हाँ जी, मस्जिद नबी शरीफ ही सी, आपने दौरे खिलाफत आप गए मस्जिद कुबा, हजूर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत सी हजूर हर हफ्ते मस्जिद कुबा की जियारत वास्ते पैदल या सवारी से तशरीफ ले जाते। बाद जो खुलफा सन अबू बकर उमर उस्मान अली, ये भी उस तरीके मस्जिद कुबा की जियारत कर जाते सन। तो हजरत उमर एक दफा हफ्ते जियारत कर गए तो वेख्या तो जनाब गर्दो गुबार पे मस्जिद, तो आपने ताज़ा खजूर की शाख तोड़ी, तो 36 लाख मुरबा मील के हुक्मरान ने मस्जिद झाड़ू दिता। हाँ जी, सरवरी दर दीने माँ खिदमत गरी अस। इकबाल कहता साढ़े आप बादशाही का तसव्वुर और कुछ भी नहीं, अपनी पार्टियां नहीं वो पालिया जा। हाँ जी, ना पार्टियां तो जनाब मंशूर तो दस्तूर तो जनाब वो गल अल्लाह रसूल की आँगी। हाँ जी, अपनी ये जी हूँ ए पार्टी आ गई, हूँ एने लुटना है, फिर दूसरी पार्टी आ गई। रियासत मदीना विच एक गल नहीं सी। हाँ जी, रियासत मदीना विच एक गल नहीं सी कि पार्टी कुटी जाती। पर मैं उमर को बुलाओ, सदियाना सिद्दीक अकबर ने जब पता चला मैं दुनिया तो तशरीफ ले जानी, तो फरमाया उमर को बुलाओ, ये नहीं फरमाया मेरे रिश्तेदारों को बुलाओ। ये तो गल ही हो रही, रियासत मदीना में ये बात नहीं होती। हाँ जी, तो जदों साहबा ने हजरत उमर का सिद्दीक अकबर इंतखाब किया, तो उन्हें कहने लगे अल्लाह नू जाके की जवाब दोगे, एडा डाडा बंदा तुसी साडे ते ला के जा रहे हो, एडा डाडा बंदा। फरमाया, तुम मुझे अल्लाह से डराते हो, यानी गल तो साहबा कर दी। उन्हें कहा, एडा डाडा बंदा तुसी ला के जा रहे हो, ए तो साड़ियां खल्ला ला देंगे तुहाड़े बाद, ये की तुसी करन लगे हो? फरमाया, हाँ मैं जिस रब के पास जा रहा हूँ, रब ने अगर मुझसे पूछा ना कि मुसलमानों का वाली किसको बना कर आए हो, तो मैं कहूंगा उस बंदे को बना के आया हूं जो सबसे बेहतर बंदा था। फरमाया, उमर के बारे में मेरा गुमान यही है कि उमर ठीक ठीक काम करेगा। हाँ, फरमाया मेरा गुमान यही है उमर के बारे में। और आपने ये भी लफ्ज फरमाया, आपने फरमाया उमर डाडे तां सन जब हजूर की जारी याद है, जो हजूर मौजूद सन तो उमर पता सी कोई गल हो गई तो हजूर संभाल लेंगे, मेरे दौर जी उमर पता सी जो कोई गल हो गई तो सिद्दीक मौजूद हैं वो चुक लेंगे। फरमाया, कंध्या से जो बोझ आएगा फिर पता लग जाएगा। हाँ जी, कंध्या से बोझ आएगा जो सिद्दीक अकबर, तो मैं रियासत मदीना ये है। हाँ जी, जिसमें 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मस्जिद में झाड़ू देता है, ना कि मस्जिद के स्पीकर उतरवाता है, ये ना कि जनाब वालम अन्नमा गनिमतुम का तर्जमा लूट मार की जाती है वहां से। हाँ जी, और इस्लामियात से खत्म नबुवत के मौजू निकाले जाते हैं, जहाँ जब रियासत मदीना हो ना और खत्म नबुवत का मसला पैदा हो जाए यमामा में, तो फिर रियासत मदीना का जो वाली अफजलुल खल्क बादर रुसल फरमाते हैं, बुढ़ा होवे या जवान होवे, अखाड़ा होवे या ना बीना होवे, सारे हुजूर दी खत्म नबुवत वास्ते जाओ रियासत मदीना के अंदर। और फिर खुद भी सिद्दीक अकबर तलवार पकड़ के चल पड़े, मदीना खाली हो गया। ये तो मौला अली रोकया, फिर सिद्दीक अकबर ने फरमाया तुसी ना जाओ जनाब, तुसी चले गए तो फिर साढ़े पीछे की बढ़ेगा, तुसी ना जाओ जो तुहानू कुछ नुकसान हो गया तो फिर मुसलमानों का की बन गया? रियासत मदीना जो बनानी ना
तो फिर रियासत मदीना बनाने के असबाब पैदा करो। हाँ जी, सानू दसो, असी बनाने रियासत मदीना, असी थोड़ी मदद करते हैं, रियासत मदीना किवें बन सकती। हाँ जी, क्यों जी, साड़िया गर्दन से पगड़िया असं किस वास्ते रखिया, ऐ जिसम कीड़िया तो वैसे खा जाना है, जे इस्लाम के कम आ जाए तो होर की चाहिए। क्यों जी, तवज्जो जी, तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। रियासत मदीना में टैक्स पर टैक्स नहीं लगाए जाते थे। हाँ दसो जी मौलाना, कोई एक जगह हो रसूलुल्लाह ने, हाँ हुजूर ने ऐलान ये जरूर फरमाया ग़ज़वा तबूक के लिए, जब भी इस्लाम को जरूरत पड़ी, वो तो सिद्दीक अकबर और लिखा है इमाम ने, जब सैयदना सिद्दीक अकबर डाढ़े बीमार हो गए ना, तो अब्दुर अपने पुत्र नु बुला के फरमाया कि ऐ कौमी खजाने की ऊठनी है, ये भी ले जाओ, पुराना कंबल भी ले जाओ, ऐ प्याला भी ले जाओ, तो उमर को जाके जमा करा दो, तो मैं जी सवा दो महीने तनखा ली फलानी जमीन वेच के, तो वह भी कौमी खजाने जमा करा देना। जदों हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ कहते हैं, मैं उस वे हज़रत उमर को मौजूद सी जदों सिद्दीक अकबर ने अपना कौमी खजाने का एक ऊठनी, तो एक प्याला, तो कंबल का टुकड़ा, पूरा कंबल भी कोई नहीं सी, ऐ सवा दो साल इस्तेमाल किए सैयदना सिद्दीक अकबर। जदों हज़रत उमर को पहुंचे तो हज़रत उमर चीख मार दी, उन्हें कहा सिद्दीक तुसी ते जा रहे हो, पिछे आने वाले वास्ते काम डाढ़ा करके जा रहे हो, तुसी कौन होएगा जेड़े ऊंटनिया भी वापस कर देगा, ते प्याले भी कौमी खजाने जमा करा देगा। ये गल्ला करनी आसान नहीं, यहाँ काम नूं इंज जल्ला ना बनाओ, आ रियासत मदीना नूं इंज बदनाम ना करो। अगर चाहते हो कि रियासत मदीना बने तो फिर असी भी तुहाडे नाल आ, साडा इख्तलाफ किसी नाल कोई जाती इख्तलाफ नहीं। हाँ जिहड़ियां गल्लां हो गईयां ठीक है, हाँ साडा कोई किसी नाल इख्तलाफ कोई नहीं, ना असी किसी को वैर लेना है, ना उन्हां कोल इंतकाम लेना है। हाँ रब मेरा जो है वो कादिर है, जिससे चाहे जैसे चाहे वो इंतकाम लेगा, साडा किसी नाल की है। अगर रियासत मदीना इंज बदनाम ना करो, हाँ इंज बदनाम ना करो, मुड़ मुड़ रियासत मदीना दे लाग मुड़ के मिसाल बरतानिया दियां दे दियो फलाही रियासत। अगर फलाही रियासत की कोई बात करनी है ना, तो फिर रसूलुल्लाह की रियासत की बात करो। हाँ उथे ते मलका मदीना पाक केड़े जनाब, इत्थे कोई शाही निजाम सी, तू बरतानिया की रियासत के हवाले दे दो, वहां फलाही रियासत है, जहां औरत जो है वो एक शहनशाह मलका बनी हुई है, तो यहां तो रसूलुल्लाह की बीवियां उम्मातुल मोमिनीन मुसलमाना दियां मामा ओ की फरमांदियां ने, हजरत सैयदतुना आशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना फरमांदियां, साडे घर का छत इतना उच्चा सी, असीं थले खड़ के उन्हें हाथ ला लेंदे। उन्हां दियां मिसालां देने जिहड़े महल्लां विच रहिंदियां जनानियां, ते उन्हां दियां रियासतां दियां इत्थे गल्लां करदे हो। जे रियासत मदीना की गल करनी तो हर गल हजूर की कर, गल हजूर की करनी, तो गल्लां जना कुड़ कुड़ कित्थे, अंडे कित्थे, जिथे कुड़ कुड़ करदा अंडे भी उत्थे दे, फिर गल होएगी। एक इस तरह गल है, फलाही रियासत मैंने वहां बरतानिया में देखी, बरतानिया में तूने क्यों देखी, तू हुजूर की सीरत पढ़ता, सैयदना सिद्दीक अकबर की दौरे खिलाफत पढ़ता, हजरत उमर का पढ़ता, उस्माने गनी का पढ़ता, हैदर करार का पढ़ता, पढ़द्या पढ़द्या तू जनाब औरंगजेब आलमगीर तक आंदा, फिर तेन पता फलाही रियासत किसको कहते हैं और आवाम के हकूक कौन उनके दरवाजों पर पहुंचाता है। क्यों जी बातें करते हो ऐसी फजूल बातें, काम को ऐसे काम, इन चीजों से आप धोखा खाने वाली नहीं है। हाँ मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।